फाइनली अपन कॉलेज को पकड़ चुके हैं। 60 साल की उम्र में भी अंकल दो क्या हाल चल क्या चीज छतरी हम भी जरूरत पड़ती। ये है हमारा फाइनल आउटपुट। ब्रो कट 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 नो प्रॉब्लम यू कैन कंटिन्यू एडिटिंग। ओके हाउ वाज योर 45 मिनट्स यू हैव अ पॉडकास्ट हाउ आर यू फीलिंग नाउ। ब्रो आई एम लिटरली थे हमारे आपका नाम भैया Khokon. It's an immense pleasure to study in this beautiful university, having what their vision is. That is what. Okay. Nice. Dekhenge isme aankh mein achi. तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वणकम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है सैयद अजीज अहमद, घर मेरा बेंगलुरु में है लेकिन रहता हूँ मैं आप सभी के दिलों में। तो आज हम लोग नए एक्साइटेड न्यूज लेके आया हूँ। करंटली आई एम डूइंग माय एमबीए एट सीएमआर यूनिवर्सिटी। अभी 2 ही महीने बाकी हैं, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाने वाला हूँ, ग्रेजुएट होने वाला हूँ। इट मीन्स हमको कॉन्वोकेशन दे के भगा देंगे यहाँ से। उससे पहले मैं अपने लेक्चरर्स के साथ और प्रोफेसर्स के साथ थोड़े लंबे गुजारना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस सीकिंग देयर एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज आप सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो बने रहिए इसी व्लॉग में एंड वी विल बी रॉकिंग अमेजिंग मजेदार पॉडकास्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे डायरेक्टर अर्कुट सर के साथ। करेंटली अभी घर से निकला हूँ सब चीजें लेके, आउटडोर पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग। इट्स ए चैलेंजिंग टास्क टू बी, बिकॉज पहली बार अपन खुद से कुछ कर रहा है और एक्साइटेड हो रहा है बहुत। जो सोचा है उस तरीके से मेरे को करना ही है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट थिंग आउटसाइड विच आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। सबसे पहले बात तो अर्कुट सर को मैंने समझा दिया है व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज रियली एक्साइटिंग वीडियो फॉर मी फर्स्ट टाइम। हम चटपटी बातें करेंगे, इट्स नॉट लाइक सीरियस पॉडकास्ट होने वाला है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट एंगल्स टू द कैमराज और कॉन्टेंट ऑल्सो दूँ आपको तरीके से। चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं पहले, लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी फर्स्ट और वहां से चालू करते हैं ब्लॉग हमारा। तो फाइनली अपन कॉलेज को पधार चुके हैं, तो अभी ऊपर जाते हैं अपन, दोस्तों को मिलना है। अभी ये साला लगेज लेके घूमना पड़ता है, देखते हैं। लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। एक सरप्राइज मिल गया अपन जो वो है हमारे पास चावल पधार गया। तो हमारे तो गैंग है ऑलरेडी। सविता है सुमन हेरा चेना की फस्ट निम्गे कई इड़ती रो। सलामकुम दादा। वालेकुम सलाम। खैर थे यार। सलामकुम न्याल भाई। सलामकुम खैर थे। हमारे पोटे था माइक चेकअप कर रही इधर माइक। हाँ ये ब्लू वॉइस कैंसिलेशन का, ठीक है। सीएमआर यूनिवर्सिटी लिंक से देखो भाई, हमारे ग्राउंड के इंचार्ज है, मतलब पूरा मेंटेनेंस कर लेते हैं इनकी टीम। यहाँ की एरिया के डॉन इन ये एरिया डॉन यूरो मत है ऊट आयता सर यहाँ कर रही और अजीज चेक कर रही कुछ एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिजिक्स काम आ रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है ये जो हमें कर रही है, क्या फ्यूचर कैसे हमारे करियर कैसे काम आएगा? श्योर ब्रो, एब्सोल्युटली करियर में काम आएंगे तो भी बहुत सारे जरूरत पड़ती है ब्रो। एब्सोल्युटली क्रैक ईच एंड एवरी बाउंड्री इन आवर लाइफ। छतरी छतरी आयान छतरी काम आने का क्या अजीज छतरी हम भी जरूरत पड़ती। और एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, मैं सिर्फ एक ट्राईपॉड एक कैमरा और मेरे मोबाइल में ट्राईपॉड पॉडकास्ट शूट करने वाला था। मेरे दोस्त अयान और निहाल मिलकर हमें मदद करवा रहे हैं, मतलब देखो छतरी ले लगे इनका स्टूडियो है एंड एक्स्ट्रा कैमरा और ईयर विथ लाइटिंग सपोर्ट एंड ऑल्सो ना ऑडियो सपोर्ट। और बहुत ही बढ़िया हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास 5-स्टार होटल का वाइब दे रहा, वो भी ये ब्यूटीफुल ग्राउंड में। हमें अर्कुट सर के साथ आज बात कर रहे हैं, देखते हैं। नहीं मैं पूछ तुम्हें जवाब। ओके श्योर। Okay. How are you feeling? After in 45 minutes you have a podcast. How are you feeling now? Bro, I'm literally shivering, but I'm controlling myself so that this is my first time. I have done these things, but not in this scale.
बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट एटलीस्ट सम ऑफ द अदर थिंग दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स एक्चुअली दैट इज व्हाट द इंटेंशन आई हैव आई होप गॉड इंशाल्लाह अल्लाह विल प्रोसीड ओके नाइस एंड टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस लाइक यू हैव कंडक्टेड ए पॉडकास्ट लाइक इन प्रीवियसली रुबिनी मैम एंड सर्वर एंड सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस That was also a great experience actually. I was immediately they called me and say next day you have a podcast and you have to immediately refer all those questions and I came. Actually the professor was very friendly. I had a very good conversation. She was very happy seeing me there. Actually she's already seen me in YouTube videos. So I'm seeing me in front of her is were really excited. She was really excited. It was comfortable conversation actually. Okay. What things did you learn from it? First of all, I learned what is discipline in this because in my YouTube videos randomly I go through stuff whatever I want immediately I'll make it and then bring it to happen but coming into a proper team and what teams want we have to carry that towards and we have to make sure give that what their vision is that is what okay nice dekhenge iski accuracy dekhenge kya hota hai अंकल का गांव चागले हट्टी है अंकल निमहसरे नहीं अपायणा हमारे ग्राउंड को जो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं तुम्हें जो आप लोग देख रहे हो रोज जो ग्रीनरी ग्राउंड में दिख रही है सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए वे आर लॉट दे हैव अ टीम एक्चुअली बहुत लोग हैं इनके बेटे इनके दोस्त इनके बहुएं सब ये काम करते हैं मत अंकल उठा ही था अंकल यस टू वाइज See, 60 years है अंकल की एज अंकल मुद्दे तीनगंटो आराम गाड़ी का बिस्ला का आराम इतने चेना आव जन ऐन हाँ बिस्ल बिस्ल मुद्दे तीनती रि मुद्दे रगी मुद्दे नम चना देवर चेना मकंडवर हाउदा देखो भाई रागी 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 का मुद्दे खाना आप लोगों को भी रागी की गंजी बना के पियो रागी मुद्दे खाइए सुबह सुबह क्योंकि 60 की उम्र में भी 60 साल की उम्र में भी अंकल देखो क्या हलचल भाई इनके फिजिक देखो अंकल इवग नोड़ता इदिरा नीवु एष्टो जन हुडुगरिगनु ओडाडक्के इष्ट इल्ल इदु इल्ल शक्ति इल्ल एन अवरेल्ल एनंद्र हेळि एन माडबेकु अंत ಏನಾದ್ರೂ ಊಟ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಗಾಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುದ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಸಾಕು ಬೆಲೆ ತೊಳಬಾಡಿಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು मैं क्या बोलता हूँ आपकी उम्र 60 रो 70 रो 50 साल रो लेकिन जितनी भी जिंदगी आप जी रहे हो तो जबरदस्त मजेदार अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ जिए आप लोग जो भी आप चाहते हो वो पूरा करिए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करिए दुनिया को और हासिल करिए जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो एक जुनून रहना चाहिए एनर्जी रहना चाहिए फोकस रहना चाहिए दैट इज व्हाट अंकल ऑल्सो आप अंकल को देखेंगे तो वो हार नहीं मान रहे हैं और वो बिट कोड़ता इल्ल येनो 60 वर्ष अदादमेलेनो और एष्टु कष्टपट्टी केलस माड्तावरे एष्टो जन जोते अल्वा अंकल माड्ता इद्दरे सूपर अंकल एल्ल जन हेळ्तारे निन्न माड्ता इद्दीय हेंगेनो नावु नीवु नम्मोर्सक नावु इरुत्तिल्ल अंत अर्ध जन हेळ्तारे That is superb, यार, superb. देखो भाई अंकल को ना तो शुगर ना तो बीपी ना तो कुछ भी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से वो घर बैठे हैं देखो वो बचपन से चलते फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आज भी मजे हैं अंकल बाड़ा अंकल निम्गे नोड़ी बाड़ा बेरवर एला कली बेको निम्गे नोड़ी एलारिगे एक्सपीरियंस आगबेको इंस्पिरेशन माडबेको एलारिगे हंगे नमगुनु आशीर्वाद कोडि आशीर्वाद कोडि नमगे मेले कई सागो तो बॉयस ये है हमारा फाइनल आउटपुट कैमरामैन एक अरकोट सर को फोकस करेगा ये कैमरा मेरे को एंड माय फोन विल बी कैप्ट हियर एंड रिकॉर्डेड वॉइस एवरीथिंग विल बी ऐसे रिकॉर्ड होगा सो टुडे द गेस्ट कैरी टेक ले ऑल इट ओके सो ये हमारे बिहाइंड द सीन वीडियो में अरकोट सर आ रहे हैं सर हाउ इज योर फीलिंग सर दिस इज अनफिल्टर्ड सर इसमें फिल्टर ही नहीं है कैसा लग रहा है सर इट इज वेरी एनर्जेटिक नो इट इज क्वाइट एनकरेजिंग एज वेल ओके एंड यू नो This should become a big one. Yeah, okay. sir. Definitely. We'll come step by step. Step by step, we'll make something good, sir. Sir, के साथ मैं तो मजे से बात कर रहा हूँ. Hope so. और कुछ serious topics के ऊपर भी बात करेंगे. Till that, we'll take small photo shoot for the sir. के साथ सर को मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था आई यूजुअली सी सर साई बाबाज फोटोज ही विल बी विजिटिंग द टेंपल ओवर देयर मतलब हाउ डिड यू सो डिमोशन टुवर्ड्स साई बाबा सर सो मेनी पीपल सीइंग दे कैन आल्सो रिलेट टू यू सर सी व्हाट हैपेंस इज वी वांट सम सपोर्ट व्हेन वी आर डाउन ओके इट कैन बी अ गॉड और इट कैन बी अ स्पाउस और इट कैन बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर
In my life also, that was the time where, you know, I was very, you know, in very much need of a support. So some people forced me, told, you know, go to Shirdi, you know, you will have positive thing. I was not believing much in that, okay, because, you know, I am a very logical person from by nature, okay, kya bol raha hai, okay, let me see. But when I went there, you know, it was a totally positive vibes for me. From that day onwards, everything got changed. And when I start digging deep, all my connects which are coming after that, they are also I connects. Okay. Somewhere they are around me. Means, you know, they call it a satsang, you know. Okay, so like-minded people, they attract. Okay, so universe is going to bring all those people satsang, together. So, when I am getting some positive, let me see, you know, whether my friend also can do something in that direction. So, I suggested something to my friends as well. They also went and they also got the same kind of, you know, positive vibes. And, you know, that is how, you know, my whole family is associated with that. And, you know, once you get that support, people start, you know, moving towards it. People, the one thing that makes people great is the spiritual spirituality, sir, they carry. It could be anything, it could be in any religion. So this, if they are good, if they are strong, spiritually connected to the one person or the entity or divine, it gives you a great pushback, sir, towards your personality, sir. See, ultimately it is all realization of your spirit. Okay, we are all energy bodies, you know. We need to find out energy in the right direction will give you a lot of insight. Okay, if you put energy in wrong direction, it will not give you that. Okay, so at the end of the day, so somebody will teach you, or some situations will make you to learn that, you know, you are not that strong as you think. Okay, get united with the soul and your own body and your own spiritual guru, spirituality, and that is how it is. ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा. और एक बात बता दूं कि मेरे दोस्तों का आज एग्ज़ाम्स था. इनके एग्ज़ाम्स के लिए हमने एक घंटा डिले किया था पॉडकास्ट, एंड इन लोगों ने अपना दो घंटे का एग्ज़ाम एक घंटे में ख़त्म कर पॉडकास्ट शूट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मेरे पास आ गए. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई बिलव्ड फ्रेंड्स फॉर गिविंग देयर टाइम एंड टैलेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर स्किल्स towards my podcast and helping me to gather this amazing moment. Thank you, my friends. I'll miss you all. मेरा पैशन है वीडियोस बनाना और आप सभी लोगों तक एक हसीन लम्हे और वीडियोस पहुंचाना. I'm really sure that it will be a really amazing video. तो मैं अपन भाई से बात कर रहे थे हमारे. आपका नाम भैया? मधुन. आपका नाम बोलिए. नाम बोलिए ना आपके नाम मुंह से. खोकन. खोकन, ओके. सो खोकन ने हमको मदद की. इनका नाम है खोकन. वायरल कर दो इनको. इनका नाम है खोकन. ओके, इनके साथ ये हमको थोड़ा हेल्प कर रहे हैं. मैं बोला दुनिया में साथ देने के लिए लोग बहुत कम है.